हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें हम बात करेंगे एसईओ के बारे में। रिसेंटली आपको पता है कि यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो एसईओ, उसका सबमिट हुआ है 2022 का, राइट, जो कहाँ पे हुआ है, उज्बेकिस्तान में हुआ है। तो जिसकी वजह से ये न्यूज में था, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अब। तो सबसे पहले अगर मैं एसईओ की बात करूँ, तो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है क्या? इट इज इंटर गवर्नमेंटल परमानेंट मेंबर है, इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब यहाँ पे जो कंट्रीज की गवर्नमेंट इसकी मेंबर्स है, ठीक है। इट इज अ यूरेशियन, यूरेशियन मीन्स कि यहाँ पे यूरोप और एशिया की गवर्नमेंट कंट्री, गवर्नमेंट जो होंगी वो इसकी मेंबर्स होंगी। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, दैट मीन्स ये तीनों पे फोकस करती है, पॉलिटिकल पे भी, पॉलिटिकल इश्यूज पे भी, इकोनॉमिक इश्यूज पे भी एंड मिलिट्री इश्यूज पे भी करती है, जिसका मेन एम क्या है कि हमें क्या करना है, मेंटेन करना है पीस, सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन दी रीजन, राइट। तो सबसे पहले बात करूं तो ये एससीओ जो फॉर्म हुआ था वो 2001 में हुआ था। अब ये जो एससीओ 2001 में फॉर्म हुआ था, इससे पहले क्या था आपके पास, एससीओ जो था वो शंघाई 5 बोला जाता था, जो 1996 में क्रिएट हुआ था। यहाँ पे 5 मेंबर कंट्रीज थी, कौन सी, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान। यहाँ पे देखो सीआर तो आ गया चाइना और रशिया, और तीन आपके पास आ रही है कौन सी कंट्रीज, आपके पास आ रही है सेंट्रल एशिया कंट्रीज से, एक तो आपके पास आ गई तजिकिस्तान और के स्क्वेयर, जिसमें आपके पास कजाकिस्तान और किर्गिस्तान, तो ये तीन कंट्रीज तो ये आ गई आपके पास, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ था, ये था शंघाई 5 जो 1996 में क्रिएट हुआ था। अब इसको जो है 2001 में इसको नाम दे दिया गया शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अब क्या हुआ था 2001 में उज्बेकिस्तान ने इस शंघाई 5 को क्या कर लिया था, ज्वाइन कर लिया था, तो अब इसको नाम दे दिया गया शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो यह फॉर्म तो हुआ 2001 में, बट इस ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर साइंड होता है वो कब हुआ था, जून 2002 में हुआ था, जब इस शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन गवर्निंग बॉडी है, जिसमें एससीओ के जितनी भी मेंबर कंट्रीज है उनके स्टेट्स के हेड आके मिलते हैं, उनकी मीटिंग होती है, जो जून 2002 में हुई थी, जो सेंट पीटर्सबर्ग में हुई थी, वहां पे इन्होंने इस चार्टर को साइन किया था। और ये चार्टर जो फोर्स में आया था, कब आया था, ऑन 19 सितंबर 2003 को, तो ये बात भी याद रखना। अब यहां से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इंडिया इसका मेंबर कब बना था, ठीक है। अब इंडिया जो इसका मेंबर बना था वो बना था 2017 में, बट वहीं पे 17 सितंबर 2021 में जो सबमिट हुआ, वहां पे क्या बोला गया कि ईरान जो है अब क्या बनेगा, फुल मेंबर बन जाएगा एससीओ का। और देखेंगे कि इस बार के सेशन में क्या बात करी गई कि ये मेंबर बना कि नहीं बना, वो हम आगे बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2021 के सेशन में बोला गया कि यहाँ पे ईरान को जो है अब फुल मेंबर बना दिया जाएगा एससीओ का। जो सेशन कहाँ पे हुआ था, दुशनबे में हुआ था, कहाँ पे, तजिकिस्तान में हुआ था, राइट। अब यहाँ पे बात करते हैं एससीओ के सेक्रेटेरिएट की, तो एससीओ का जो सेक्रेटेरिएट है वो है बीजिंग में, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करूं, तो एससीओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, रशिया, रशियन एंड चाइनीज। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये जो एससीओ ग्रुप है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये कवर करती है 40% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन, ये जो मेंबर कंट्रीज है, और नियरली 20% ऑफ द ग्लोबल GDP एंड 22% ऑफ वर्ल्ड लैंड मास जो है ये कंप्राइज करती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एससीओ का, तो इसका बहुत ही स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट रोल रहता है एशिया में, बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल सिग्निफिकेंस, क्योंकि ये क्या करता है, इनेबल करता है कि इसके कंट्रोल को ये सेंट्रल एशिया पे कंट्रोल कर सके एंड लिमिट कर सके जो अमेरिकन इन्फ्लुएंस है इस रीजन में, जैसे आपको पता है कि अफगानिस्तान वाले रीजन में भी था कि यूएस जो इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहता था, तो ये एससीओ बहुत हेल्प करता है इसमें, राइट। और इसको जो है एज अ काउंटर बीट भी ट्रीट किया जाता है, किसका, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का, नाटो का, राइट। ये भी न्यूज में था, तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चाहे वो HAS है, चाहे वो UPSC है, राइट।
अभी मैंने पहले ही बात करी कि 2017 में इंडिया जो है वो मेंबर बना था, इंडिया के साथ पाकिस्तान भी परमानेंट मेंबर बना था, किसका, एससीओ का, जो कहां पे हुआ था, अस्ताना समिट हुआ था कजाकिस्तान में, तो ये भी याद रखना। अब देखो इससे पहले क्या बना था, इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेट बनाया गया था इन 2005 में, और उसके बाद 2017 में ये परमानेंट मेंबर जो है वो बन गया था। और यहीं पे अब बात करें तो इंडिया जो है वो होस्ट करने जा रहा है 2023, जो नेक्स्ट ईयर जो समिट होगा एससीओ का वो आपके पास इंडिया में होगा, और ये इस बार भी समिट, क्योंकि अब 2023 में जो एससीओ की प्रेसिडेंसी जो आ जाएगी वो किसके पास आ जाएगी, एससीओ के प्रेसिडेंट बनेंगे इंडिया, इंडिया के पास प्रेसिडेंसी आ जाएगी। अभी 2022 में किसके पास है, उज्बेकिस्तान के पास है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस बार उज्बेकिस्तान में क्या हुआ, आपके पास सबमिट हुआ, नेक्स्ट ईयर जो प्रेसिडेंसी आ जाएगी वो इंडिया के पास आ जाएगी, राइट। तो ये आपके पास कंट्रीज है, अभी इसके बारे में बात करेंगे, पर पहले हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पे। अब यहाँ पे बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, तो देखो यहाँ पे आपको चार ऑर्गन्स यहाँ पे मिलेंगे, हेड ऑफ स्टेट काउंसिल, हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स एंड रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले बात करें हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल की, तो ये क्या है, एससीओ की सुप्रीम बॉडी है, जो जनरली सारे डिसीजन यही बॉडी लेती है, इट्स इंटरनल फंक्शनिंग हो गया, इट्स इंटरेक्शन विद अदर स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ, एंड कंसिडर्ड इंटरनेशनल इश्यूज भी कौन कंसिडर करता है, यही होता है मेन गवर्निंग बॉडी जो है वो कौन सी है, हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल। इसके बाद आती है गवर्नमेंट काउंसिल, ये क्या करती है, बजट अप्रूव करती है, राइट। इसके बाद आती है मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, जो जनरली इश्यूज को कंसीडर करती है जो डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं, राइट। जो अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास रेट, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, इसको जो एस्टेब्लिश किया गया था टू कॉम्बैट टेररिज्म को कॉम्बैट करने के लिए, सेपरेटिज्म को एंड एक्सट्रीमिज्म को, ठीक है। अब आपसे ये सीधा पूछा जाएगा कि रेड क्या है, ये परमानेंट बॉडी है, एक बात तो ये याद रखना, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ताशकंद में है, उज्बेकिस्तान में, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी हमने इसके सेक्रेटेरिएट की बात करी थी, तो मैंने बोला कि सेक्रेटेरिएट कहाँ पे, इसका बीजिंग में है, बीजिंग में है। इसकी जब हमने ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करी तो चाइनीज एंड रशियन जो है इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर जो है, दैट मींस कि मेन ऑर्गन जो है एससीओ का, जो डील करता है किसके साथ, कॉम्बैट टेररिज्म, सेपरेटिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म के साथ, तो वो है आपके पास रैट, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, और वो परमानेंट बॉडी है, और कहाँ पे बेस्ड है, ताशकंद में, उज्बेकिस्तान में, राइट। अब बात करते हैं इसके सबमिट की, हमने बात करी 2021 में इसका 21st समिट हुआ था एससीओ का, जो कहाँ पे हुआ था, दुशनबे में हुआ था, तजिकिस्तान में, जो हमने पीछे भी बात करी, क्योंकि वहां पे क्या बोला गया कि ईरान जो है वो क्या बनेगा, फुल मेंबर बनेगा ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, कि 9th फुल मेंबर बनेगा ऑर्गेनाइजेशन का, राइट। तो इसमें एक्सेप्ट कर लिया गया था, बट अभी बना नहीं बना वो, अभी हम आगे बात करते हैं, वैसे तो बन गया है बट आगे उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं 2022 में, क्योंकि ये जून जुलाई की बात कर रहा हूँ, इससे पहले अभी सबमिट तो हुआ सितंबर मंथ में, राइट, बट ये जून जुलाई में जब फॉरेन अफेयर, इसके फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग हुई थी, तो उस टाइम पे क्या डिसाइड किया गया था, यहाँ पे देखो कि ये जो सबमिट जो होना था 15 से 16 सितंबर 2022 में होना था, वो हो गया है 2022 का, राइट। 22nd सबमिट हुआ है इस बार एससीओ का, तो ये भी याद रखना, इसके बारे में भी अभी बात करते हैं। इससे पहले देखो, इससे पहले क्या किया गया था, जब फॉरन यहाँ पे मीटिंग्स हुई थी, तो यहाँ पे वाराणसी को पहले ही डिसाइड कर दिया गया था, मतलब एज ए सिलेक्ट किया गया कि एससीओ की ये क्या होगी, फर्स्ट टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल होगी फॉर 2022-23 के लिए, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, दैट मीन्स कल्चरल टूरिज्म को क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा अब इंटरनेशनल लेवल, तो इससे ये बेनिफिट रहा। तो किसको किया गया, इंडिया को बहुत बड़ी अचीवमेंट मिली कि एससीओ ने क्या किया, वाराणसी को सिलेक्ट कर लिया एज अ टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022-23, और ये इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, अभी एचएएस का एग्जाम आ रहा है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, राइट। और यहीं पे बात करी गई थी कि यहाँ पे ईरान की बात, तो हमने जो 2021 का समिट हुआ वहां पे बात करी गई थी, बट अभी रिसेंटली बोला गया था कि क्या बेलारूस भी क्या हो सकता है
कि न्यू मेंबर बन सकता है, परमानेंट मेंबर बन सकता है एससीओ का, राइट। तो ये जो बातें की गई थी, ये थी जून में जो फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी एससीओ मेंबर्स की, राइट। बट अब रिसेंटली हम बात करते हैं जो 22nd सबमिट हुआ एससीओ का। तो अगर मैं सीधी सी बात करूं तो इस बार जो सबमिट हुआ कहां पे हुआ, उज्बेकिस्तान में हुआ, समरकंद में हुआ, ठीक है। अब यहां पे ड्यू टू दी COVID-19 पेंडेमिक द एससीओ सबमिट वाज कैंसल्ड इन दी लास्ट 2 ईयर्स में जो है वो कैंसल्ड हो गए थे, ठीक है। अब इस बार मोदी साहब भी उज्बेकिस्तान गए, उन्होंने अटेंड किया। पहले क्या हो रही थी, वर्चुअल मीटिंग्स हो रही थी, इस बार जो है वर्चुअल नहीं हुई, इस बार फिजिकल मीटिंग हुई, मतलब वहां पे जाके अटेंड की गई एक रूफ के नीचे एक रूम में, राइट। तो यहाँ पे बात करते हैं समरकंद की, तो समरकंद की लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखो ये जो लोकेटेड है ऑन दी जारेफसन रिवर वैली है इन दी साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ उज्बेकिस्तान, वहां पे ये सिचुएटेड है। अब ये जो नेम समरकंद जो है वो डिराइव किया गया है सोग्डियन सिविलाइजेशन से, बेयर समर का क्या मतलब होता था, मीन्स स्टोन और रॉक, एंड खांद मीन्स फोर्ट, राइट। तो ये भी याद रखना, द समरकंद का मीन क्या होता है, अ टाउन और फोर्ट ऑफ रॉक और स्टोन, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब समरकंद जो है इसको कंट्री अगर मैं बात करूं तो ये उज्बेकिस्तान की कल्चरल कैपिटल है, ठीक है, और इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ वर्ल्ड कल्चर फॉर मोर देन 2.5 मिलियन ईयर्स, मतलब ये इसको जो है ये क्या किया जाता है, वर्ल्ड कल्चर का पार्ट कंसीडर किया जाता है, राइट। तो इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट अब हम मेजर हाइलाइट्स की बात करते हैं, जो समिट के मेजर हाइलाइट्स हुए इस बार, राइट, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ पे बोला गया कि ये जो मेंबर स्टेट्स हैं इन्होंने किस पे स्ट्रेस किया, इन्होंने मेनली फोकस किया कि हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है म्यूचुअली बेनिफिशियल कॉर्पोरेशन इन दी एनर्जी सेक्टर, एनर्जी सेक्टर इंक्लूडिंग एफिशिएंट यूज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज एंड सपोर्ट द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस एफिशिएंट इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज की, राइट। बट यहाँ पे अगर मैं सीधी सी बात करूं, हम सीधी सी यहाँ पे आते हैं किसके ऊपर जो मेन अचीवमेंट है, यहाँ पे सीधी सी बात करिए कि क्या रहा कि अब अपकमिंग प्रेसिडेंसी जो होगी वो इंडिया के पास होगी। उज्बेकिस्तान ने इस बार क्या किया, चेयर किया 22nd एससीओ सबमिट जो समरकंद में हुआ। नेक्स्ट ईयर जो है इंडिया होस्ट करेगा एससीओ सबमिट, ठीक है, एज अ चेयरमैन इन 2023। इसके बाद बात करते हैं यूक्रेन वॉर। तो अब जो 22nd सबमिट हुआ इसमें इन्होंने डिस्कस किया यूक्रेन वॉर में, जिसमें इंडिया एंड चाइनीज लीडर्स ने अपने कंसर्न रखे टू द रशियन प्रेसिडेंट ओवर द यूक्रेन वॉर, राइट। जिसमें इन्होंने क्या रिफ्लेक्ट किया कि या मतलब ये ग्लोबल के लिए एक वरी का मैटर, एक फियर का मैटर है कि जहां पे क्या हुआ था कि रशिया ने कैसे यूक्रेन, यहाँ पे अगर बात करें तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई थी, कि यहाँ से ऐसे क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे वरीज अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ मॉस्को's अग्रेशन अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ पीपल अक्रॉस द प्लेनेट, राइट। कि हमें देखो जब भी हम अगर किसी कंट्री पे वॉर करेंगे, ठीक है, या कोई कंट्री किसी पे वॉर करती है, तो अल्टीमेटली वो तो कंट्रीज के बीच में वॉर होनी चाहिए, जो आर्मीज है उनके बीच में वॉर होनी चाहिए, हमें वहां की जो पॉपुलेशन है, जो इनोसेंट पीपल्स है, उनको कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, उनको नहीं हमें हार्म करना है, राइट। वी हैव टू रिस्पेक्ट द ह्यूमन राइट्स, ठीक है, वो इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें ह्यूमन राइट्स को क्या करना पड़ता है, रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो एससीओ समिट में हमने बात करी इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो हमारे मोदी साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के, जब उन्होंने एससीओ में एड्रेस किया तो उन्होंने जब बात करी तो उन्होंने सीधी सी बोली कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वो ग्रो करेगी 7.5% दिस ईयर। तो ये याद रखना कि 2022-23 में कितनी ग्रो करेगी 7.5%, ये मोदी साहब ने बात करी कहाँ पे, एससीओ में, और ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और बोला और ये क्या होगी, हाईएस्ट अमंग द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो बोला कि जितनी भी लार्जेस्ट इकोनॉमीज है वर्ल्ड में, उनमें सबसे हाईएस्ट इकोनॉमी जो ग्रो करेगी वो किसकी करेगी, इंडिया की करेगी 7.5%, ठीक है। और वहीं पे इन्होंने क्या बोला कि इंडिया जो है प्रोग्रेस कर रहा है टूवर्ड्स कि वो मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, राइट। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे मोदी साहब क्या कर रहे हैं, आत्मनिर्भर मेक इन इंडिया की बात कर रहे हैं, राइट, वेरियस स्कीम्स लेके आ रहे हैं कि आप क्या करो
कि हमारे यहाँ पे इंडिया में आके ही क्या करो, मैन्युफैक्चरिंग ये करो, राइट। आप भी अगर आपको पता होगा तो नितिन गडकरी भी बात कर रहे थे कि टेस्ला वाली कंपनी को ऑफर कर रहे थे कि आप आओ इंडिया में आके ही आप मैन्युफैक्चरिंग करो, राइट। तो यहाँ पे बहुत सी अचीवमेंट्स, और मैं बात करूँ तो यहाँ पे बात की जा रही है कि इंडिया को हम क्या बनाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। इसके बाद बात करते हैं ईरान की। अब देखो यहाँ पे 2021 में इसको बात करी गई थी कि इसको जो है फुल मेंबर, परमानेंट मेंबर बना दिया जाएगा। अब यहाँ पे 2022 के समिट में इसको एडमिट कर लिया गया ईरान को एज अ परमानेंट मेंबर ऑफ द SCO एट द समरकंद समिट 2022 जो हेल्ड हुआ उज्बेकिस्तान। बट यहाँ पे याद रखना, एज अ फुल मेंबर ईरान जो है SCO का, एज अ फुल मेंबर जो समिट जो होस्ट, ठीक है, जो कौन सा समिट अटेंड करेगा, वो कौन सा अटेंड करेगा 2023 में, जिस समिट को कौन होस्ट करेगा, इंडिया, राइट। इसके बाद इस मीटिंग में इन्होंने स्ट्रेस किया था इम्पैक्ट ऑफ COVID-19, राइट। एंड यहीं पे इन्होंने बात करी कि हमें क्या करना है, फुल कंप्लायंस करना है विद द कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन, स्टॉक पिलिंग एंड यूज ऑफ केमिकल वेपन्स एंड ऑन देयर डिस्ट्रक्शन एज एन इफेक्टिव डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो ये कुछ इसकी जो मेजर हाईलाइट्स थी इशू की। बट हमें याद रखना, देखो हमने यहाँ पे बात तो कर दी कि ईरान जो है उसको एडमिट कर लिया गया एज अ परमानेंट मेंबर, बट जो जून में बात करी गई थी कि बेलारूस भी बन सकता है, बट बेलारूस को अभी कोई ऐसी यहाँ पे एडमिट नहीं किया गया, तो हम नहीं बोलेंगे कि बेलारूस उसका परमानेंट मेंबर बना है। तो अब हम देखते हैं इंडिया के स्पेसिफिक में क्या रहा यहाँ पे। देखो यहाँ पे SCO की मीटिंग्स हुई, तो साथ ही साथ में क्या हुआ, मोदी साहब ने सेपरेट बायलेटरल मीटिंग्स भी करी। इसके बाद आफ्टर द समिट प्राइम मिनिस्टर ने ऑफ इंडिया ने सेपरेट बायलेटरल मीटिंग्स करी रशिया के साथ, उज्बेकिस्तान प्रेसिडेंट के साथ एंड ईरानियन प्रेसिडेंट के साथ। तो यहाँ पे PM नरेंद्र मोदी ने क्या बोला, कॉल्ड ऑन द SCO की वो डेवलप करे रिलायबल एंड रेजिलियंट सप्लाई चेन्स टू ऑफसेट द डिसरप्शन कॉज्ड बाय COVID-19 की वजह से जो हुआ एंड यूक्रेन क्राइसिस की वजह से। एंड बोला कि हमें क्या करना है, बेटर कनेक्टिविटी करनी है एंड ग्रांट करना है फुल राइट्स ऑफ ट्रांजिट फैसिलिटीज बाय मेंबर स्टेट्स इज इम्पॉर्टेंट टू अचीव द गोल, कि हमें सारे मेंबर्स को क्या देने हैं, फुल राइट देने और सब सारी फैसिलिटीज जो है उनको प्रोवाइड करनी है। नहीं पे इंडिया और टर्की की बात करें तो इंडिया और टर्की के लीडर्स ने रिव्यू किया अपने बायलेटरल रिलेशंस को एंड अप्रिशिएट किया जो भी अभी उनके बायलेटरल ट्रेड जो है, जो भी उनको अचीवमेंट मिली है उसको उन्होंने अपने आप में ही अप्रिशिएट किया। एंड अलॉन्ग विद द सिटी ऑफ वाराणसी जो है उसको नॉमिनेट किया गया एज द फर्स्ट एवर SCO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2022-23। और यहाँ पे 2023 में जो है इंडिया जो है वो टेक ओवर करेंगे नेक्स्ट ईयर ऑफ SCO फ्रॉम उज्बेकिस्तान एंड विल होस्ट द समिट, राइट। तो ये याद रखना। अब यहाँ पे देखते हैं इसके मेंबर स्टेट। देखो हमने बात करी थी कि 1995-6 में यहाँ पे क्या हुआ था, SCO 5 था। सबसे पहले SCO 5 था जिसकी मेंबर कंट्रीज थी कौन सी आपके पास, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, चाइना और रशिया। उसके बाद उज्बेकिस्तान ने इसको ज्वाइन किया 2001 में, तो ये बन गया आपके पास क्या, शंघाई SCO। सबसे पहले थी हमारे पास चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान। उज्बेकिस्तान ज्वाइंड शंघाई 5 इन 2001 एंड बिकेम SCO। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान ज्वाइन करते हैं SCO को इन 2017 में, और वहीं पे अब ईरान जो है परमानेंट मेंबर एडमिट हो गए 2022 में, राइट। तो ये भी बात याद रखना, राइट। तो अब टोटल मेंबर कंट्रीज की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कितनी मेंबर्स कंट्रीज होगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हमारे पास टोटल 9 मेंबर कंट्रीज होगी। अब देखो ये हमें याद कैसे करनी है, अब देखो सबसे पहले याद करो कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज, हमारे पास 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज है जिसमें से 4 इसकी मेंबर्स है, कौन कौन सी, के स्क्वेयर से आपके पास आ जाएगा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर आपके पास आ जाएगा तजिकिस्तान, फिर आपके पास आ जाएगा उज्बेकिस्तान, ये 4 कंट्रीज है। अब एक ऐसी कंट्री है जो इसकी मेंबर नहीं है, परमानेंट मेंबर नहीं है, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है,
तुर्कमेनिस्तान जो है वो आपकी सॉरी परमानेंट मेंबर नहीं है एससीओ की, राइट। तो ये भी आप याद रखना। तो इससे भी एक चीज आपको याद रहेगी कि चार आपके पास कौन सी कंट्रीज है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज है जो इसकी मेंबर्स है। फिर आपके पास आ गई दो जो हमारे, जो अगर मैं बात करूं पड़ोस में, चाइना और रशिया, सी आर क्लास रिप्रेजेंटेटिव जिनको बोलेंगे। मैं इसको क्लास रिप्रेजेंटेटिव क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर बात करें तो इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी कौन सी है, चाइनीज एंड रशियन, इसलिए मैंने बोल दिया कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव, राइट। फिर रह गए कौन से, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है, दोनों भाई भाई, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान, ये पाकिस्तान अपना छोटा भाई आ गया, इंडिया बड़ा भाई आ गया, और फिर आपके पास बचता है इंडिया पाकिस्तान, और लास्ट आ गया आपके पास ईरान। तो ये 9 मेंबर कंट्रीज है। फिर से रिपीट कर लेते हैं, अगर हम बात करें तो सबसे पहले सेंट्रल एशियन कंट्री से बात करें तो कजाकिस्तान आ गया, किर्गिस्तान आ गया, उज्बेकिस्तान आ गया, तजिकिस्तान आ गया, ये चार कंट्रीज आ गई, तुर्कमेनिस्तान नहीं, राइट। अब यहां से बात करें, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे गेस्ट अटेंडेंट्स में आता है। उसके बाद आपके पास आके क्लास रिप्रेजेंटेटिव चाइनीज एंड रशिया, और यही दो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। फिर आपके पास आएगा इंडिया और पाकिस्तान, बड़ा भाई छोटा भाई आईपी, और फिर आएगा आपके पास ईरान। तो ये आपके पास इसकी मेंबर कंट्रीज। ऑब्जर्वर स्टेट्स में आप देखोगे तो अफगानिस्तान, मंगोलिया और बेलारूस इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स में आते हैं। डायलॉग पार्टनर्स में अगर बात करें, अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका, टर्की, इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और तुर्कमेनिस्तान जो है वो गेस्ट अटेंडेंट्स में है। बट हमें क्या याद रखना है, ये 9 मेंबर कंट्रीज याद रखनी है जो इसकी परमानेंट मेंबर है। अभी कौन सी बनी है, ईरान, बेलारूस की भी बात की जा रही थी बट बेलारूस नहीं बनी है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे यूट्यूब चैनल को, राइट। सो थैंक यू सो मच।